हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माँ की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही मज़ेदार चाट बनाने वाले हैं, जो बनेगी आलू और मूंगफली से। 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। जब भी आपका मन करे फटाफट बनाइए और इंजॉय कीजिए इसको। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू मूंगफली की चाट बनाने के लिए मैंने 2 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 1/2 कप मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। ये मैंने हरी धनिया पत्ती ली हुई है। 1/2 मैंने प्याज लिया है इसके लिए। 1/2 नींबू लिया है मैंने इसके लिए। 2 हरी मिर्ची ली हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है। 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है। और इसके लिए मैंने 1.5 चम्मच चीनी ली है। और मैंने इसके लिए लिया है चाट मसाला। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई करने हैं। इसके लिए मुझे बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम सामान में और बहुत ही टेस्टी बनती है। मूंगफली के दाने को मैंने अच्छे से तल लिया है, निकाल लेती हूँ इनको। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला था, गरम हो गया ऑयल। अब इसमें जीरा डाल देते हैं, हल्दी डाल देंगे, आलू डाल देंगे, अच्छे से चला देंगे इसको। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। 2 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे, अब ये चीनी डाल देंगे, मिक्स करेंगे, मूंगफली के दाने डाल देंगे। अब इसको 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, चीनी गलने तक। 5 मिनट हो गए हैं, चीनी अच्छे से गल गई है। ये जो मैंने 1/2 नींबू लिया था वो निचोड़ देती हूँ। गैस को ऑफ कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अब ये जो मैंने प्याज चॉप करके रखा था वो डाल देंगे, हरी धनिया डालेंगे, मिर्ची डाल देंगे जो मैंने काट के रखी थी। आलू मूंगफली की चटपटी खट्टी मीठी चाट बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है, इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। पहले आप इस चाट को बनाइए, खाइए, फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।